डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको भारत की औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा कर रही हूँ। आज हम लोग औद्योगिक नीति 1991 देख रहे हैं। औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या रहे? सबसे पहले देखिए, सुदृढ़ नीति संरचना, लघु उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आत्मनिर्भरता, एकाधिकार की समाप्ति, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, विदेशी विनियोग, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। तो ये इस नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए, औद्योगिक नीति 1991 के विशेष प्रावधान क्या हैं? सबसे पहले देखिए, उदार औद्योगिक नीति। इस नीति के द्वारा 18 उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन 18 उद्योगों की के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया। इन उद्योगों में कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, चमड़ा, मोटर कारें, बसें, कागज तथा अखबारी कागज, रक्षा उपकरण, औषधि आदि शामिल है। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य रखा गया, उनके कारणों में सुरक्षा एवं सामरिक नीति, सामाजिक कारण, वनों की सुरक्षा, पर्यावरण समस्याएं, हानिकारक वस्तु का उत्पादन तथा धनी लोगों के उपयोग की वस्तुएं मुख्य रूप से शामिल की गई। दूसरा इसकी देखिए विशेषता, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। सरकार ने लोक उपक्रमों पब्लिक एंटरप्राइजेज के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाया। इसके अंतर्गत ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेज को लोक उपक्रमों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। इन उपक्रमों को अधिक से अधिक विकासोन्मुख और तकनीकी दृष्टि से गतिशील बनाया जाएगा। जो उपक्रम वर्तमान में ठीक से ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त संभावनाएं हैं, तो उन्हें पुनः संगठित किया जाएगा। भविष्य में पब्लिक एंटरप्राइजेस को विकास के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया। पहला है आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं। दूसरा, तेल खनिज संसाधनों का निष्कर्षण, ऐसे क्षेत्र में तकनीकी विकास और निर्माण क्षमता का निर्माण जो दीर्घकाल में उत्पादों का निर्माण जहां सामरिक घटक महत्वपूर्ण हैं, जैसे सुरक्षा उपकरण। इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों की संख्या घटाकर केवल 8 कर दी गई। वो कौन से हैं? अस्त्र एवं गोला बारूद, रक्षा साज सामान, रक्षा वायुयान, युद्ध पोत से संबंधित मदे। दूसरा है परमाणु शक्ति। तीसरा, कोयला और लिग्नाइट। चौथा, खनिज तेल। पांचवा, लोहा, मैग्नीज तथा क्रोम, अयस्क, जिप्स, गंधक, स्वर्ण और हीरे का खनन। और छठा है तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, मॉलिब्डेनम और वोल्फ्राम का खनन। सातवां, परमाणु शक्ति के उपयोग के खनिज। एंड लास्ट वन है रेल परिवहन। तीसरा देखिए, इसके अंतर्गत एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया। इस नीति में यह घोषणा की गई कि बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात इसके फलस्वरूप बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कंपनियों का विलीनीकरण करने, उनका स्वामित्व लेने तथा कुछ परिस्थितियों में संचालकों की नियुक्ति करने, उनका स्वामित्व लेने आदि की स्वीकृति सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट, स्थानीयकरण नीति। इस नीति के अनुसार जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा, उन्हें छोड़कर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किसी भी उद्योग के लिए औद्योगिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी अन्य तरह के गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर सभी इकाइयां नगर की सीमा से 25 किलोमीटर के बाहर लगाई जाएगी। नेक्स्ट है विदेशों से पूंजीगत साज सामान का आयात। विदेशी पूंजी की विनियोग वाली इकाइयों पर पूर्जे, कच्चे माल और तकनीकी जानकारी के आयात के मामले में सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन रिजर्व बैंक
विदेशों में भेजे गए लाभांश पर एक नजर रखेगा, एक कंट्रोल रखेगा। व्यापारिक कंपनियों में विदेशी अंश पूंजी। इस नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की पहुंच बनाने की दृष्टि से निर्यात करने वाली व्यापारिक कंपनियों में भी 50% तक विदेशी पूंजी के विनियोग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों पर देश की सामान्य आयात निर्यात की नीति लागू होगी। विद्यमान इकाइयों का विस्तार करने की छूट इसके अंतर्गत दी गई। लोक उपक्रमों की कार्य प्रणाली। इसके नीति के अनुसार लगातार वित्तीय संकट में रहने वाले पब्लिक एंटरप्राइजेज की जांच औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड या अन्य कोई विशेष संस्थान करेगी। छटनी किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। सरकार की तरफ से सहमति वार्ता में भाग लेने वाले लोगों का तकनीकी स्तर बढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इसकी विशेषताएं बताई है। 1991 की जो औद्योगिक नीति है उसकी विशेषताएं बताई है। तो अगली बार हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।